हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है एसएपी जर्नी, और आप हमारी सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हमारी वीडियो, जो भी नई वीडियो बनेंगी, वो सबसे पहले पहुंचेंगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो हमारी एफआई मॉड्यूल से रिलेटेड रहेगी, और ये एफआई मॉड्यूल की जो वीडियो है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस सेशन में हमें क्या क्या करना है। एसएपी एफआई मॉड्यूल ट्रेनिंग टॉपिक ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के दोस्तों हमारे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक अबाउट फाइनेंस अकाउंटिंग। फाइनेंस अकाउंटिंग के बारे में हम सबसे पहले बेसिक, जो इनिशियल स्टेज की जो चीज़ें हैं, वो उनके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि फाइनेंस अकाउंटिंग होती क्या है और इस ये काम कैसे करती है। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा सम ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस, के जो जनरल ट्रांजेक्शन होती है हमारी, उनकी प्रैक्टिस। और जो थर्ड रहेगा, उस थर्ड टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एफआई मॉड्यूल के जो कोर्स कंटेंट हैं, उनसे रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक अबाउट फाइनेंस अकाउंटिंग। तो फाइनेंस अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जो अकाउंटिंग के ऊपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, आइए रीड करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग इन टर्म ऑफ मनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये ऐसी ट्रांजेक्शन है, हम दो बार चार बार भी पढ़ लें दोस्तों, तो भी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है उसमें, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग क्या है, सिस्टमेटिक मैनर क्यों है, और जो इसके प्रिंसिपल रूल हैं वो क्या हैं। आइए थोड़ा स्टडी करते हैं उसके बारे में। व्हाट इज़ रिकॉर्ड? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक रिकॉर्ड क्या होता है। तो दोस्तों, समथिंग इन राइटिंग दैट इज़ रिकॉर्ड। कुछ भी अगर हमारे पास पेपर के ऊपर लिखा हुआ है तो वो एक रिकॉर्ड है। एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका एक फ्रेंड है, और आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखा है और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपने अपने फ्रेंड को भेज दी है, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपने अपने पास रख ली है। तो ये जो डुप्लीकेट कॉपी आपने अपने पास रखी है दोस्तों, ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरह आपका फ्रेंड आपको उस लेटर का जवाब देता है और उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको सेंड करता है और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखता है, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, इज इट एनी रिकॉर्ड वी आर रेफरिंग हेयर? क्या अकाउंट के अंदर हम किस चीज़ का हिसाब किताब रखेंगे? ये जो लेटर अभी जो फ्रेंड ने लिखा है, जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, क्या ये भी इसी की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है यहाँ? तो आइए थोड़ा रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में समझते हैं। नो, वी आर कंसर्न विद ओनली दोज रिकॉर्ड विच आर ओनली फाइनेंस मैटर और दोज रिकॉर्ड विच वी कैन मेजर इट्स वैल्यू इन मनी टर्म्स। मीन्स के यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमको जो भी हमारे रिकॉर्ड रहेंगे, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो मनी से रिलेटेड होगा, तभी वो हमारे लिए रिकॉर्ड है, अदरवाइज वेस्ट। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, उसकी कॉपी अपने पास रखी,
और उसने रिप्लाई किया आपको और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली। तो ये जो दोस्तों रिकॉर्ड है, अगर अगर ये अकाउंट या मनी से रिलेटेड है तो ये रिकॉर्ड आपकी अकाउंट बुक में चढ़ेगा, अदरवाइज हम इसको अकाउंट बुक में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ये मनी से रिलेटेड नहीं है तो हम इसे अकाउंट बुक में नहीं डालेंगे या इसकी एंट्री हम अकाउंट बुक में नहीं करेंगे। तो जो भी मनी से रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन रहेंगी उसी की एंट्री हम सिर्फ अकाउंट बुक में करेंगे। आइए आगे देखते हैं। वट वी विल रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर हमको ये पता चल गया दोस्तों कि एक रिकॉर्ड क्या है, कि कोई भी ऐसा प्रूफ जो राइटिंग में है और जो मनी से रिलेटेड है वो एक रिकॉर्ड है, लेकिन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या करेंगे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड, जो हमारी ट्रांजेक्शन और इवेंट रहेंगे जो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, वो हम इसमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन, अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि हमें रिकॉर्ड तो पता चल गया है लेकिन ये ट्रांजेक्शन है ये क्या है जिसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजेक्शन क्या है दोस्तों, गिव एंड टेक, चीज़ों का लेन देन, ट्रांजेक्शन। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मान लीजिए ये एक पर्सन है और इसने मान लीजिए ये कोड डाला हुआ है और ये अपनी इस पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और निकाल के अपनी इस पॉकेट में रख लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ चीज़ों का लेन देन हो रहा है, पैसे के रिगार्डिंग है जो कि। कैन वी से दैट दिस इज़ द ट्रांजेक्शन, क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से जो है इसने पैसे दिए हैं और इस जेब में रिसीव हुए हैं, तो ये दोस्तों ट्रांजेक्शन नहीं है। देन विच ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड, सम इफेक्ट शुड बी देयर। आप ये नोट करेंगे दोस्तों कि ये जो पर्सन है इसने अपनी इस पॉकेट से पैसे निकाले और इस जो दूसरी पॉकेट है उसमें पैसे रख लिए हैं, तो यहाँ कोई इफेक्ट हमको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पास जितने पैसे थे उतने ही पैसे इस पॉकेट में रह गए हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, जो गिव एंड टेक हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, वो दो बंदों के बीच में होगा, दो पर्सन रहेंगे उनके बीच में पैसों का लेन देन या पैसों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगी वो दो बंदों के बीच में रहेगी, तो उसको ही हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। दे आर टू पीपल्स, पर्सन वन और पर्सन टू। जब ये पर्सन वन इस सेकंड पर्सन को कुछ देता है तो इसके अगेंस्ट में वो कुछ लेता भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है, हमको ट्रांजेक्शन तो पता चल गई है कि ट्रांजेक्शन होती क्या है, चीज़ों का लेन देन वही ट्रांजेक्शन होती हैं और जो कि रिलेटेड होती है फाइनेंस से, पैसों के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन रहता है उसको हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, हुज ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड, किसकी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो आइए यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं थोड़ा। ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड फॉर दूज वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट बुक, मान लीजिए ये एक पर्सन है और हम इसकी अकाउंट बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इफ़ वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट बुक फॉर पर्सन वन देन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ पर्सन वन और वी कैन से दैट वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ एंटिटी। ये जो दोस्तों आपको पर्सन नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी अकाउंट बुक लिखते हैं तो हम इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर इसकी कंपनी की अकाउंट बुक लिख रहे हैं हम तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक एंटिटी, इस जो कंपनी होगी उसको हम एक बोलेंगे एंटिटी। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द एंटिटी साइड हुज ट्रांजेक्शन
वी आर रिकॉर्डिंग और राइटिंग बिकॉज द ट्रांजेक्शन इफेक्ट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ पर्सन। अगर हम इसकी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं दोस्तों या इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, तो हमको इसकी साइड से ही सोचना पड़ेगा। हम इस सेकंड पर्सन की साइड से सोचेंगे तो हमारी ट्रांजेक्शन गलत हो जाएंगी। इसको आगे हम थोड़ा और खुल के समझेंगे। मान लीजिए ये एक ओनर है इस कंपनी का, और ये कंपनी है, इसको एंटिटी भी बोलते हैं। अगर हम इसकी ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी, जिसकी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ वी आर मेंटेनिंग द अकाउंट बुक फॉर ABC कंपनी, ये जो कंपनी है, देन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ ABC कंपनी, तो हम इसी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द साइड ऑफ हुज ट्रांजेक्शन वी आर रिकॉर्डिंग और राइटिंग। हमेशा हमको जिसकी अकाउंट बुक हम लिख रहे हैं उसी की साइड से अपने आप को उसकी जगह पर रखकर उसकी ट्रांजेक्शन को लिखना होगा। बिकॉज द ट्रांजेक्शन इफेक्ट विल बी द डिफरेंट फॉर बोथ पर्सन, इफ़ वी आर मेंटेनिंग द पर्सनल अकाउंट बुक ऑफ ओनर ऑफ दैट कंपनी। अगर ये जो ओनर है दोस्तों, इस कंपनी का जो ये ओनर है, अगर हम इसकी बुक पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको इसके एंगल से सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हम इस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको इस एंटिटी की तरफ से सोचना पड़ेगा। वी शुड थिंक फ्रॉम द ओनर साइड और थिंक एज यू आर, कि आप ही ये बंदे हो और अपने अकाउंट को देख रहे हो, इस टाइप से सोच के इसकी अकाउंट बुक लिखनी पड़ेगी हमको। हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, हमको अब क्वेश्चन आता है कि हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। दोस्तों रिकॉर्ड इज ए सिस्टमेटिक मैनर बाय फॉलोइंग द डबल एंट्री प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये सिस्टमेटिक मैनर क्या है दोस्तों और डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या है, ये जो डबल एंट्री रूल है ये क्यों है और ये सिस्टमेटिक मैनर क्या है। फॉर अकाउंटिंग वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू रजिस्टर। जब हम किसी भी पर्सन की या किसी भी कंपनी की या फर्म की आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको मिनिमम टू रजिस्टर चाहिए होते हैं। उसमें से एक रजिस्टर में आप क्या करते हैं दोस्तों, बुक ऑफ एंट्री। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने आपसे एक मटेरियल परचेज़ किया और मैंने आज की डेट में वो आपसे परचेज़ किया है, तो मेरी एक एंट्री है कि मैंने आपसे एक मटेरियल परचेज़ किया है, और उसको रिमाइंड करने के लिए, मैं याद रखने के लिए, मैं इस बुक के अंदर लिख लेता हूँ कि मैंने आपसे इतनी तारीख को इतने रुपए का मटेरियल परचेज़ किया, तो ये मेरी बुक ऑफ एंट्री बन जाती है दोस्तों। और जो सेकंड रजिस्टर होता है दोस्तों, वो होता है लेज़र, जिसके अंदर सभी खाते या अकाउंट बोल सकते हैं आप, सभी अकाउंट्स इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बुक ऑफ एंट्री के अंदर हमारी एंट्री डालते हैं और उन एंट्री की सहायता से एक एक लेज़र के अंदर वो एंट्री पोस्ट करते हैं। Why to record transaction in account book? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको अकाउंट बुक लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लीजिए मैं मेरी जेब से पैसे खर्च कर रहा हूँ और सारा हिसाब किताब मैं ही देख रहा हूँ, तो मेरे को अकाउंट बुक लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट बुक का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट बुक इज़ टू गिव मी द इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंट बुक हम लिखेंगे ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प इन आवर बिजनेस टू रन प्रॉपरली। और अगर हम कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को अच्छे से चलाने में ये जो अकाउंट बुक है ये हमारी बहुत हेल्प करती है। और जो दूसरा पर्पज है दोस्तों इसका, जो ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ माई बिजनेस। अगर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसको जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट बुक मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि ईयर एंड में उस गवर्नमेंट को सबमिट होता है, तो इसीलिए भी अकाउंट बुक हमको मेंटेन करनी ज़रूरी है। हम अपनी पर्सनल अकाउंट बुक करके जो खर्चे वगैरह होते हैं वो भी अपनी पर्सनल अकाउंट बुक भी लिख सकते हैं,
ये हम बिजनेस के पर्पज़ से आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा समझेंगे। डबल एंट्री में क्या होगा दोस्तों, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट एंड दीज टू इफेक्ट वी विल रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसको एंटिटी, अभी आपने समझा एंटिटी क्या है, और ये मिस्टर एक्स है। इसने हमको, हमारे बीच में अगर ट्रांजेक्शन होती है तो वो ट्रांजेक्शन किस किस चीज़ से रिलेटेड रहेगी दोस्तों। सी स्टैंड फॉर कैश, कैश की ट्रांजेक्शन हो सकती है, या हम इससे प्रॉपर्टी खरीद खरीद खरीदते हैं, या गुड्स खरीदते हैं, या सर्विस लेते हैं, या बेनिफिट्स लेते हैं, या कोई कंज्यूमेबल आइटम इससे परचेज करते हैं। तो बदले में हम इसको दोस्तों क्या देंगे, या तो कैश देंगे, या फिर प्रॉपर्टी, या कोई गुड्स, या सर्विसेज, या बेनिफिट्स। तो ये जो लेन देन हो रहा है दोस्तों यहाँ, इसी को ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कैश? कैश किसी भी बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैश क्या होता है, एवरीबडी नो अबाउट इट। सेकंड आता है दोस्तों, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी सभी लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो भी कुछ हम फर्नीचर हम खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, जो हम लॉन्ग टाइम मिनिमम 1 ईयर के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक घर है, होम है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कार है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। और ये सोफ़ा है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर मैं कार बोल दूँगा या सोफ़ा बोल दूँगा, तो आपको ये समझ नहीं आएगा ये किस नेचर का है। तो हर एक जो प्रॉपर्टी है, इसमें भी अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे कि ये जो मकान है, इस किस नेचर के अंडर में आता है, ये बिल्डिंग के अंडर में। और ये जो कार है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीकल। और ये जो सोफ़ा है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो ये प्रॉपर्टी के अलग अलग नेचर हैं। अकाउंटिंग में हम नेचर के बारे में आगे समझेंगे कि इन नेचर का यूज़ कहाँ होता है। व्हाट इज़ गुड, गुड्स डेफिनेशन इन अकाउंटिंग? गुड्स की डेफिनेशन क्या है? अगर आप जनरली इंटरनेट वगैरह पे जाके रीड करेंगे कि गुड्स क्या है, तो कोई भी फिजिकल चीज़ जिसको हम छू सकते हैं और जो हमारे डेली यूज़ में हम लाते हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। और अगर फाइनेंस में हम समझें इसको, तो सेलिंग एंड परचेजिंग, सेलिंग परचेजिंग से क्या निकल के आता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। मान लीजिए ये एबीसी कंपनी है हमारी, और ये जो एक एसी है दोस्तों, ये हमारी कंपनी क्या करती है, परचेज करती है। किसी वेंडर से हमने ये एसी परचेज कर लिया है, और जो हमारी कंपनी है, इसके लिए इज़ इट गुड्स फॉर एबीसी कंपनी? क्या ये एबीसी कंपनी के लिए गुड्स है? अगर हमारी कंपनी इसको, एसी को परचेज करके और आगे सेल कर देती है दोस्तों, तो वो हमारे लिए गुड्स है। जिसकी हम सेल और परचेज करते हैं, या डीलिंग करते हैं सेल और परचेज के अंदर, जिस गुड्स की, वो कंपनी के लिए गुड्स बोलते हैं उसको, वो कंपनी के लिए गुड्स कहलाएगा। तो ये कंपनी के लिए गुड्स नहीं है। अगर दूसरे एंगल से देखें दोस्तों, ये एक वेंडर है जो एसी में डीलिंग करता है, तो ये इस वेंडर के लिए गुड्स है, क्योंकि ये इसको बेच रहा है और कहीं से इसने ख़रीदा भी है। तो ये इस वेंडर के लिए तो गुड्स है, लेकिन हमारी कंपनी इसमें डील नहीं करती है, इसको खरीदने या बेचने का काम नहीं करती है। तो ये हमारी कंपनी के लिए गुड्स ना होके उसकी प्रॉपर्टी है।
तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा अकाउंटिंग में। सो द थिंग फ्रॉम द एंटिटी साइड बिकॉज इफेक्ट विल बी द डिफरेंट ऑफ बोथ। जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि अभी ये मान लीजिए पर्सन ए है और ये वेंडर जो है पर्सन बी है, तो इसी गुड्स का ये जो सेल कर रहा है इसके लिए कुछ और इम्पैक्ट है दोस्तों वेंडर के लिए, और हमारी कंपनी के लिए कुछ और है। हमारी कंपनी के लिए ये गुड्स ना होके ये प्रॉपर्टी है और वेंडर के लिए गुड्स है। तो अगर हम इस एबीसी कंपनी की अकाउंट बुक लिख रहे हैं तो हम उस इस ये जो एसी है हमारा इसको हम डालेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, और अगर हम वेंडर की अकाउंट बुक लिख रहे हैं तो इसके लिए गुड्स है तो इसकी एंट्री जाएगी गुड्स में। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं फॉर वेंडर इट इज़ गुड्स बिकॉज ही इज़ डीलिंग फॉर सेल एंड परचेज ऑफ एसी, और फॉर एबीसी कंपनी इट इज़ प्रॉपर्टी। आइए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ सर्विसेज। अकाउंटिंग में सर्विसेज का मतलब क्या है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप हैं और अभी आने वाले टाइम में आप किसी इंस्टीट्यूट से एसएपी के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने इस एसएपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने सबसे पहले इसको क्या दिया, एक फीस चार्ज की इसने और आपने वो फीस इसको पे कर दी, और उसके बाद उस फीस के बिहाफ पे वो आपको क्या दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, सर्विस का एग्जांपल है। आपने उसको पैसे दे दिए और आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। व्हाट इज़ बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, एग्जांपल के तौर पे आप अगर दिल्ली या नोएडा से एसएपी का कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, और मान लीजिए आप एक मकान या एक रूम हायर करते हैं रेंट पे, तो आपने क्या किया, आपने इस घर को परचेज ना करके आपने सिर्फ इसका रेंट दिया, तो रेंट देने के बाद दोस्तों आपको क्या मिला, उसका बेनिफिट मिल गया, आपको उसको रहने को मिल गया, तो वो आपका हो गया बेनिफिट। इसी तरह बैंक हमको लोन देता है और इस लोन अमाउंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बैंक ने हमको लोन दिया, हमको वो पे करना है, लेकिन उससे हमको क्या मिला, एक बेनिफिट कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम क्या होती हैं दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे ये पेन है, हम इसको गुड्स नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसको खरीदने बेचने का काम नहीं करते, और ये हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो एक साल से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये तो पेन है, ये दो दिन 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इस जो चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, जो थोड़े से यूज़ के बाद ख़त्म हो जाती हैं, यूज्ड हो जाती हैं, उनको हम कंज्यूमेबल आइटम बोलते हैं, कंज्यूम हो जाती हैं। जैसे पेन हो गया और कुछ चीज़ हो गई जैसे कि डस्टर वगैरह हो गया, मार्कर हो गया, तो ये सभी कंज्यूमेबल आइटम है, तो ये एक कंपनी के अंदर कंज्यूमेबल आइटम के खाते में जाती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ये एंटिटी हो गया दोस्तों और ये मिस्टर एक्स है, और ये जो इनके बीच में लेन देन हो रहा है कैश प्रॉपर्टी इन सभी का, गिव एंड टेक ऑफ दीज थिंग्स बिटवीन टू पीपल और टू एंटिटी इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो कैश है, प्रॉपर्टी है, गुड्स है, सर्विसेज है, बेनिफिट्स है, कंज्यूमेबल आइटम है, इन सभी चीज़ों के लेन देन को हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन बोलते हैं, एंड वी आर रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। इन विच वी आर रिकॉर्डिंग द सिंगल नेचर एंट्री और ट्रांजेक्शन दैट इज़ कॉल्ड वन अकाउंट। अगर दोस्तों हम आपने पिछले कुछ स्लाइड में देखा होगा कि
प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी अलग अलग नेचर की होती है। तो जब भी हम एक नेचर की या किसी एक चीज़ की एक टाइप की इन्फॉर्मेशन एक जगह रखते हैं तो उसको हम एक अकाउंट बोलते हैं। मान लीजिए यही पिछला एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, ये हमारी प्रॉपर्टी थी और इनके डिफरेंट डिफरेंट नेचर थे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास तीन कारें हैं तो इनका जो नेचर है वो व्हीकल है, तो सभी कारों का एक अकाउंट बना के उसमें हम रखते हैं तो वो सिंगल वन अकाउंट बोलते हैं उसको, जो लेज़र के अंदर होता है उसको वन अकाउंट बोलते हैं। एक नेचर की इन्फॉर्मेशन जब हम एक जगह रखेंगे दोस्तों तभी हम प्रॉपर रिलायबल डाटा ले पाएंगे अकाउंटिंग। इन ए सिंगल नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन द टू अपोजिट मूवमेंट इज़ पॉसिबल। एक सिंगल जो नेचर की ट्रांजेक्शन है दोस्तों उसमें भी दो अपोजिट मूवमेंट पॉसिबल हैं। आइए वो देखते हैं कैसे हैं, एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम। मान लीजिए आज आपका बर्थडे है और बर्थडे के दिन आपको आपकी फैमिली में जो आपके फादर हैं वो आपको 5000 देते हैं और मदर भी आपको 5000 एज ए गिफ्ट पे करती है, और आपने शाम तक उन 10000 रुपयों में से 5000 रुपये आपने कहीं स्पेंड कर दिए। मान लीजिए आप पार्टी कर ली तो आपके 5000 रुपये खर्च हो गए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये भी कैश है 5000 जो आपको फादर ने दिए हैं, मदर ने दिए हैं वो भी कैश की ट्रांजेक्शन है, और जो आप पैसे फूडिंग पे खर्च करके आए हैं वो भी एक कैश की ट्रांजेक्शन है। तो अगर इसका टोटल करें तो ये 15000 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फादर और जो मदर ने आपको दी है वो इनकमिंग मनी है। ये जो पैसे हैं हमारे पास आ रहे हैं और जो ये जो 5000 हम खर्च के आए हैं ये हमारे पास से जा रहे हैं, हमारी जेब से खर्च हो रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे एक नेचर की ट्रांजेक्शन है क्योंकि इन सभी का नेचर कैश है, और कैश में भी दो अपोजिट मूवमेंट पॉसिबल हैं कि एक ही नेचर में एक तो इनकमिंग मनी होगी और दूसरी होगी आउटगोइंग। तो जो अकाउंट्स के आपने अगर आपने थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स पढ़ा तो आपको पता होगा कि इसके अकाउंट्स के टू साइड होते हैं। किसी भी अकाउंट में वो दो साइड इसीलिए बने हैं क्योंकि दोस्तों एक नेचर की एंट्री में भी दो अपोजिट मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखा। तो इसीलिए कोई भी अकाउंट होगा, जैसे कैश का अकाउंट ये ले लेते हैं हम, एक लेजर के अंदर हमने कैश का अकाउंट बनाया तो इसमें भी दो साइड हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक ही नेचर की एंट्री में दो अपोजिट मूवमेंट है। तो जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं डेबिट, और जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। अभी कैश की ट्रांजेक्शन थी, मान लीजिए ये फादर ने मेरे को 5000 रुपये दिए और मदर ने मेरे को 5000 रुपये दिए, तो ये टोटल 10000 हो गया दोस्तों। ये मेरे अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ये जो आउटगोइंग पेमेंट है ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो जब भी हम दोस्तों ये जो आप ऊपर देख रहे हैं DR इसका मतलब है डेबिट, और ये CR है इसका मतलब है क्रेडिट, और ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। इफ़ वी आर राइटिंग इन दिस साइड दैट मीन्स वी आर डेबिट दिस अकाउंट। अगर हम इस तरफ लिखते हैं अकाउंट के डेबिट साइड हम कुछ भी अमाउंट डालते हैं तो उसका मतलब होता है दोस्तों कि हम जिस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड लिख रहे हैं हमने उस अकाउंट को डेबिट किया है। और इफ वी आर राइटिंग इन दिस साइड दैट मीन्स वी क्रेडिट दिस अकाउंट। और अगर हम किसी भी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट किया है। आपको अभी तो ये समझ आ गया होगा कि सिंगल नेचर की एंट्री में भी दो अपोजिट मूवमेंट जो हैं वो पॉसिबल हैं, और इसीलिए अकाउंट के दो साइड बने हैं डेबिट और क्रेडिट। और हम किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं तो हमने उस अकाउंट को डेबिट किया है, और अगर हम उस अकाउंट के किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हमने उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। फुल साइकिल ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंट्स में जो एसएपी में भी और जो जर्नली भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका जो प्रोसेस रहते हैं, आइए वो समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इसके इस कंपनी के जो भी लेन देन हैं वो सभी ट्रांजेक्शनें हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, उनकी हम एंट्री करेंगे एंट्री बुक के अंदर या रजिस्टर के अंदर। और वो एंट्री कैसे होंगी दोस्तों, वो एंट्री होंगी डबल एंट्री सिस्टम से। आपने स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से हम किस में एंट्री करेंगे, बुक ऑफ एंट्री या रजिस्टर के अंदर। और ये रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, तीन टाइप के होते हैं रजिस्टर। नंबर एक पे आता है जर्नल, नंबर सेकंड पे आता है कैश बुक, और नंबर थर्ड पे आता है अदर्स। तो अभी हम सिर्फ जर्नल की बात करेंगे, कैश बुक और अदर को बाद में हम देखेंगे। तो ये जो एंट्री करेंगे, जब हम वो जितनी भी ट्रांजेक्शनें हैं, मान लीजिए अभी जो एग्जांपल हमने लिया था कि मैं आपसे कुछ मटेरियल परचेज करता हूं और आपको कुछ कैश देता हूं उसके बदले, तो सबसे पहले हम उनको एक एंट्री बुक में लिखेंगे जिसको हम बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं, याद रखने के लिए कि कौन सी एंट्री किस खाते में जाएगी। तो हमको एक नेचर की इन्फॉर्मेशन अलग अलग रखनी है, इसलिए हम उसको एक एंट्री बुक में लिख के रख लेंगे। अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे लिख के रखनी है और कैसे क्या है, आइए थोड़ा आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ इस बुक ऑफ एंट्री में अपनी एंट्री लिख के रख ली कि मैंने आपसे मटेरियल ख़रीदा और आपको 5,000 रुपये दिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग का मतलब क्या है, लेजर अकाउंटिंग के अंदर, लेजर के अंदर काफ़ी सारे अकाउंट बनाएंगे नेचर के अकॉर्डिंग, एक नेचर की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमको एक जगह रखनी है तभी हमको रिलायबल डाटा मिल पाएगा। तो इस पोस्टिंग जिसके अंदर करेंगे उसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर के अंदर हम जब एक एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रख लेंगे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक्सेल शीट ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। ये एक्सेल शीट मैंने पहले से बना ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए सैलरी पेड बाय 5,000 वाया कैश। अगर कंपनी सैलरी पे करती है अपने एम्प्लॉय को, मान लीजिए उसने 5,000 रुपये पे किए हैं या 50,000 पे किए हैं, तो हमको एंट्री बुक ऑफ एंट्री के अंदर ऐसे एंट्री लिखनी होगी, नंबर एक पे सैलरी पेड बाय 5,000 कैश। ये नॉर्मल प्रोसेस लिख के बताया मैंने आपको, जो ओरिजिनल जब बुक में लिखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ऐसे एंट्री लिखकर उसकी पोस्टिंग करेंगे दोस्तों, और उस पोस्टिंग जब हम सभी अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे, मान लीजिए ये मैंने आपको अकाउंट बना के दिखाए हैं, ये मेरा कैश अकाउंट हो गया, ये सैलरी अकाउंट, ये मोबाइल अकाउंट, ये रेंट अकाउंट, ये रेंट अकाउंट हो गया, ये कमीशन अकाउंट हो गया, और आप यहाँ देखेंगे कि इन अकाउंट के एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। तो अगर मैं किसी के डेबिट साइड लिखता हूँ अमाउंट डालता हूँ तो मैंने उस अकाउंट को डेबिट किया है, और किसी के क्रेडिट साइड में अगर मैं अमाउंट डालता हूँ तो मैंने इस अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जब ये सभी हम ईयर एंड में या मंथ एंड में या क्वार्टरली हम इनका टोटलिंग करते हैं ना दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसको, जब हम इनका टोटल निकाल के, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं 5,000 रुपये लिखता हूँ और यहाँ मैं 5,000 रुपये लिखता हूँ, और जब इसका टोटल करके हम इन सभी बैलेंस को एक शीट के ऊपर लिख लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। और ये जो ट्रायल बैलेंस बनेगा दोस्तों, तो उसमें जो क्रेडिट और डेबिट साइड होंगी ट्रायल बैलेंस में वो हमेशा मैच करेंगी,
अभी प्रॉपर वे से समझेंगे इसको, एक बार ये स्लाइड कंप्लीट करते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बन जाएगा तो उस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी नेचर के अकाउंट हैं, उनको हम ब्रॉडली चार भागों में डिवाइड करते हैं, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। और एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन सभी चारों जो अकाउंट बनेंगे, मेजर जो अकाउंट बनेंगे, इनके बेस पे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। दोस्तों आइए थोड़ा यहाँ समझते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन गोल्डन रूल्स, जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और जो नॉमिनल अकाउंट होगा उसमें क्या होगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। और पर्सनल अकाउंट में क्या रहता है दोस्तों? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आइए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं उसको। मान लीजिए एक एंट्री है जो मैंने बुक ऑफ एंट्री में बुक की है या एंट्री की है उसकी, सैलरी पेड बाय 5000 वाया कैश। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है 5000 रुपये, और कैसे की है? वो कैश। तो जो सैलरी पे की है दोस्तों मैंने, अब इसमें हमको सबसे पहले इस एंट्री में देखना ये होगा कि इस एंट्री के थ्रू हमारे कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो आपको सैलरी अकाउंट नज़र आ रहा है और दूसरा कैश अकाउंट नज़र आ रहा है। तो आइए कैश देखते हैं। सैलरी अकाउंट पेड वाया था कैश। तो जो कैश अकाउंट है दोस्तों, कैश अकाउंट हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में यहाँ पढ़ेंगे डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हमारा कैश जो अकाउंट है उसमें से कैश जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? सैलरी अकाउंट में, हमने पे कर दिया एम्प्लॉय को। तो कैश अकाउंट में से अगर कैश निकल रहा है और ये रियल अकाउंट है, तो आप यहाँ पढ़ेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, इन तीन रूल के अकॉर्डिंग पूरी अकाउंटिंग इन्हीं पे बेस्ड है। तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है रियल अकाउंट से, उसको क्रेडिट कर दो। तो एक कैश अकाउंट है दोस्तों मेरा, यहाँ 5000 रुपये मैंने सैलरी पे की है तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। और यहाँ देखेंगे आप, सैलरी पेड बाय 5000, और सैलरी अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मान लीजिए ये सैलरी अकाउंट है और ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो खर्चे के हिसाब से यहाँ देखेंगे ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। तो एक्सपेंस को क्या करना है? डेबिट करना है। तो ये 5000 रुपये सैलरी अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिए। ये जो एंट्री है दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रिप बनेगी आपकी। अब दूसरी एंट्री लेते हैं, मोबाइल बिल पेड वाया बैंक 15000। मोबाइल बिल पे किया है कंपनी ने, किसके थ्रू किया है? बैंक के थ्रू। तो जो मोबाइल है दोस्तों वो किस में आता है? जो बिल हमने पे किया है वो आ गया एक्सपेंस में, और ये हमारा कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम लेजर के अंदर मोबाइल का अकाउंट निकालेंगे। मान लीजिए लेजर के अंदर ये मोबाइल का अकाउंट है, और इसकी डेबिट साइड हम कितना डाल देंगे? 15000। अभी हमने इस पे 15000 डाल दिया है। उसके बाद हम सेकंड अकाउंट देखेंगे कि सेकंड अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है दोस्तों? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, हमको उस अकाउंट को क्रेडिट करना है जिसमें से पैसा निकल रहा है, जिसमें से कुछ भी जा रहा है या पैसा निकल रहा है। अभी कौन सा अकाउंट है दोस्तों? यहाँ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट लेजर के अंदर हम निकालेंगे और क्रेडिट में 15000 डाल देंगे।
और जब भी हम ये एंट्री करेंगे दोस्तों, सॉरी पोस्टिंग करेंगे, तो जब हम जैसे मान लीजिए ये सैलरी अकाउंट पेड बाय कैश हमने एंट्री की थी, तो जब हमने कैश के अंदर क्रेडिट किया है 5000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, लेकिन हुआ किस अकाउंट से ये इन्फॉर्मेशन भी हमको इसमें डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सैलरी सैलरी अकाउंट, और ये जो डेबिट हुआ है, सॉरी यहाँ लिखेंगे टू कैश कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम बाय सैलरी अकाउंट। इसका पर्पस क्या है दोस्तों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन पढ़ी पढ़ी होगी कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्या क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब भी हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे किसी भी लेजर के अकाउंट में जाके, तो ये डेबिट हो गया ये क्रेडिट हो गया ये तो हमको पता लग गया, लेकिन हमको ये कैसे पता लगेगा ये जो क्रेडिट हुए हैं 5000 तो इसका डेबिट कहाँ गया है। तो ये जो नरेशन हम यहाँ डाल रहे हैं उससे हमको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट हिट हुआ है बाय सैलरी अकाउंट। तो क्रेडिट तो यहाँ है इसका, इसका डेबिट कहाँ गया सैलरी अकाउंट में। आइए थर्ड एंट्री लेते हैं, मोबाइल की हो गई है ना, मोबाइल 50000 डेबिट हो गए और बैंक से हमने पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद आता है कमीशन पेड वाया बैंक एंड वाया कैश। तो ये जो आप सॉरी फोर्थ एंट्री थर्ड एंट्री देखनी है हमने, रेंट पेड वाया कैश 12000। तो हमने कंपनी ने रेंट पे किया है, कितना किया है 12000 रुपये, और वो कैसे किया है कैश। तो यहाँ कौन कौन से अकाउंट हिट हो रहे हैं, एक तो रेंट अकाउंट हिट हो रहा है और एक कैश अकाउंट हिट हो रहा है। तो रेंट जो अकाउंट है दोस्तों कंपनी के लिए क्या है, वो खर्चा है। तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आ गया, और इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने हज़ार से, 12000 से। लेजर के अंदर जाएंगे दोस्तों, और ये रहा हमारा रेंट अकाउंट, तो इसको डेबिट करेंगे 12000 से। और जो दूसरा अकाउंट है वो इस एंट्री में कौन सा है, कैश अकाउंट। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रूल पे जाते हैं, रियल अकाउंट है कैश। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कैश अकाउंट में जाएंगे लेजर के अंदर, और यहाँ 12000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फोर्थ एंट्री आती है दोस्तों, कमीशन पेड वाया बैंक 3000 एंड वाया कैश 4000। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमने किसी को कमीशन दिया है, हमारी कंपनी ने पे किया है कमीशन, और वो बैंक से उसको 3000 रुपये दिए हैं और कैश हमने 4000 रुपये दिए हैं। तो इसमें आप दो एंट्री भी कर सकते हैं और सिंगल एंट्री भी डाल सकते हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल एंट्री आपको हम देखते हैं कैसे होगी। कमीशन अकाउंट हिट हो रहा है, बैंक अकाउंट हिट हो रहा है और कैश अकाउंट हिट हो रहा है। तो सबसे पहले कमीशन और बैंक अकाउंट देखते हैं। कमीशन जो अकाउंट है वो हिट हो रहा है, और बैंक अकाउंट जो दोस्तों वो रियल अकाउंट है, तो 3000 रुपये बैंक से जा रहे हैं, क्या किया है हमने, कमीशन पे किया है। तो यहाँ इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हमको ये तो पता चल गया बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, और जो कमीशन अकाउंट है हमारा वो क्या है, एक्सपेंस में आ गया, हमने क्योंकि कमीशन दिया है। तो जो एक्सपेंस का रूल, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है, वो बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन एंड इनकम। तो डेबिट करेंगे हम कमीशन अकाउंट को, कमीशन अकाउंट निकालेंगे लेजर में, ये रहा कितना डेबिट करना है हमको, कमीशन पेड वाया बैंक 3000।
और जो दूसरा अकाउंट हिट हो रहा था वो बैंक का अकाउंट था, जो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये रहा बैंक का अकाउंट, इसमें कितना डाल देंगे दोस्तों 3000। ये तो हमारी एक एंट्री हो गई। उसके बाद एक एंट्री इसी के अंदर रह गई, कमीशन अकाउंट, कमीशन पेड वाया कैश, तो इसमें भी सेम ही रहेगा दोस्तों, कैश रियल अकाउंट है और कमीशन जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल में क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करते हैं कमीशन अकाउंट को 4000 से, 4000 से डेबिट कर दिया। और जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश 4000 रुपये जो कैश है वो जा रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो बाहर निकल रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे 4000 कैश अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। अभी आगे एंट्री ना करके इतने में ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। अब ये तो होगी हमारी पोस्टिंग, जो हमने स्लाइड के अंदर बात की थी, ये जो एंट्री करने के बाद पोस्टिंग, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। आइए, ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, इन सभी अकाउंट का, एक एक अकाउंट का टोटल हमको करना है। मान लीजिए इस अकाउंट का टोटल करते हैं 21000 रुपये आ गया, इस अकाउंट का टोटल करते हैं 5000 रुपये आ गया, मोबाइल अकाउंट का टोटल 15000 रुपये आ गया। और जब भी दोस्तों हम ये टोटल करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी जैसे इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में सभी एंट्री आई हैं, तो उसके डेबिट साइड में उतना ही दिखा के हम, जैसे ये 21000 दिखा के हम इनको टोटल दोनों को नील दिखाते हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल। तो जो जब डेबिट साइड लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बार मैं आपको ट्रायल बैलेंस बता रहा हूँ कैसे बनेगा। कैश, कैश जो अकाउंट है वो हमारा क्या है, उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, सारा बैलेंस क्रेडिट में आया है। और जो सैलरी अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास 5000 रुपये, और मोबाइल का जो है वो 15000 हमारा बचा हुआ है डेबिट बैलेंस। उसके बाद बैंक का जो बैलेंस है वो कितना बच गया दोस्तों, 18000 रुपये, 18000। और रेंट का जो बैलेंस है टोटल वो कितना हुआ, 12000 रुपये। कमीशन का जो बैलेंस हो गया वो 7000 रुपये। अभी और अकाउंट हमने हिट नहीं किए हैं, एक बार ये जो 6 अकाउंट हैं इन्हीं से हम आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएंगे, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मोबाइल अकाउंट। आइए उनको लिख लेते हैं एक बार, कैश, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, बैंक अकाउंट और रेंट अकाउंट, उसके बाद आ गया कमीशन अकाउंट। तो जब हम इनका टोटल करेंगे दोस्तों, तो जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस है वो हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए, क्रेडिट और डेबिट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम एंट्री किस हिसाब से कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम से। जितना हम किसी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं उतना ही दूसरे अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हमारा कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो वो हमेशा मैच होना चाहिए, या मैच होगा हमेशा। वो कैसे मैच होगा देखते हैं, कैश अकाउंट का टोटल कितना है 21000, और कौन सा टोटल है क्रेडिट, यहाँ लिखते हैं ट्रायल में, डेबिट बैलेंस, डीआर बैलेंस और सीआर बैलेंस।
अब देखते हैं कैश अकाउंट का टोटल CR में है, क्रेडिट बैलेंस कितना है कैश अकाउंट का, 21,000 रुपये, यहाँ 21,000 डाल देते हैं। उसके बाद सैलरी अकाउंट का टोटल 5,000 रुपये है जो कि डेबिट बैलेंस है, सैलरी अकाउंट का टोटल 5,000 रुपये डेबिट बैलेंस। उसके बाद मोबाइल का टोटल डेबिट बैलेंस कितना है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। उसके बाद बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। और उसके बाद कमीशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है, 7,000 रुपये, सॉरी रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, ये रहा। उसके बाद कमीशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस 7,000 रुपये। तो अगर अब हम इन सभी का टोटल करेंगे दोस्तों तो कितना आया, 39,000। और इन सभी का भी टोटल करते हैं तो ये आया 39,000। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है इसमें क्या है, डेबिट का जो अमाउंट आ रहा है वो भी इक्वल है क्रेडिट के अकाउंट के, और जो क्रेडिट का अकाउंट है अमाउंट है सॉरी वो भी इक्वल है डेबिट के। तो ट्रायल में हमारे जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस हैं ये मैच करने चाहिए, या जो अकाउंट के टोटलिंग हमने की है वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा मैच करेंगे, तभी हमारी अकाउंटिंग सही है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। इसी तरह आप अपने पर्सनल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, आपका हर महीने का पूरा अकाउंट लिख सकते हैं और उसका ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, उससे आप वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ठीक है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अकाउंटिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक के लिए है, जिनको अभी तक अकाउंट्स का ABC भी नहीं आता है ये उनके लिए है। आगे नेक्स्ट वीडियो से हम SAP के अंदर वर्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए अभी ये ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, अब मैंने आपको बताया था स्लाइड के अंदर कि फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद अगर ट्रायल हमारा प्रॉपर मैच कर जाता है तो उसके बाद कंपनी में क्या होता है दोस्तों, फाइनल अकाउंट बनते हैं। और फाइनल अकाउंट मेजरली कितने मेजरली किन किन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस और इनकम। तो इस ट्रायल बैलेंस में से जो हमारी एसेट होगी वो अलग निकल जाएगी, एक्सपेंस होंगे वो अलग निकल जाएंगे, लाइबिलिटी बनेगी जो हमने पैसे देने हैं किसी के वो लाइबिलिटी के अंडर आते हैं तो वो अलग बनेगी, और जो इनकम होगी हमारी वो अलग बनेगी। और जब ये फाइनल बैलेंस बन जाएगा, फाइनल अकाउंट बन जाएंगे सॉरी, तो जो एसेट और जो लाइबिलिटी है उससे हमारा क्या बनेगी, बैलेंस शीट, मीन्स एसेट और लाइबिलिटी हमारे ईयर एंडिंग के बाद अगले साल में बुक्स में कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जो एक्सपेंस और इनकम है ये एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा उसके अंदर चले जाएंगे। तो मान लीजिए ये एक्सपेंस मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मेरा इस ट्रायल बैलेंस में से एक्सपेंस निकला 5,000 रुपये और मेरी इनकम आ गई 10,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमको क्या बताएगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। तो अभी यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये 10,000 मेरी इनकम हुई और मैंने एक्सपेंस कितना किया, 5,000 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है ये हमको ये बताएगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, या अगर आप अपनी पर्सनल बुक लिख रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि आप कितना प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना लॉस में चल रहे हैं, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है तो। अब ये जो बैलेंस बचेगा दोस्तों ये कहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, जो इसका जो कंपनी का ओनर होगा उसके अकाउंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। और ये जो एसेट और लाइबिलिटी, जो एसेट हमारी बच गई, मान लीजिए हमारी जो कार है वो अभी भी रनिंग कंडीशन में है तो हम उसको अगले साल फिर से यूज़ करेंगे,
तो वो एसेट हमारी बच गई, और उसकी कॉस्ट क्या, जो डेप्रिसिएशन चार्ज लग के उसकी कॉस्ट क्या बच रही है, तो वो भी अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और जो हमारी लाइबिलिटी बच गई, हमारा बैंक का लोन बच गया, या हमारे जो वेंडर्स हैं उनको पे करना है, तो वो सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, और हमने क्या किया है दोस्तों, जो बैलेंस शीट जो हमारी बनती है वो, उसको हमने एक एक ईयर के गैप पे डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हर ईयर के एंडिंग में हमको बैलेंस शीट गवर्नमेंट को सबमिट करवानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हर ईयर के एंड में सबसे पहले ट्रायल बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट, और फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि हम, हमारी कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, और जो हमारे बैलेंसेस रह गए हैं वो क्या क्या हैं। तो ये जो बैलेंस है ये हम ईयरली बनाते हैं। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो चेक करना चाह रही है 6 महीने के अंदर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो हम विद इन 6 मंथ भी बना सकते हैं, या 3 मंथ्स के अंदर क्वार्टरली भी हम चेक कर सकते हैं कि हम कितने प्रॉफिट पे हमारी कंपनी काम कर रही है, या अभी लॉस में काम कर रही है। तो ये जो साइकिल जो रहती है अकाउंटिंग की, वो पूरी साइकिल इसी के ऊपर बेस है दोस्तों। एंट्री और पोस्टिंग, एंट्री पोस्टिंग, एंट्री पोस्टिंग। ईयर के एंड में जब ईयर ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे ईयर ख़त्म है, और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, यहाँ से नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, तो जो हमारे यहाँ जो बैलेंसेस बचे हैं ना दोस्तों, ये एसेट और लाइबिलिटी, और अगर किसी और चीज़ का भी बैलेंस हमारा बचता है तो वो भी हमको इस बैलेंस शीट में दिखाई देगा, और वो क्या होगा दोस्तों, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और हमारा बिजनेस उस बैलेंस के आगे जो भी एंट्री रहेंगी वो ऐड ऑन होती जाएंगी, और फिर दोबारा ईयर के एंड में हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो ये जो साइकिल रहती है ये इसी तरीके से काम करती है, एक ईयर ख़त्म हो गया फिर दूसरा स्टार्ट हो गया। तो ये तो था दोस्तों अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडा क्या है, वो आपको अब समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप हमको मेल डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक भी कवर हो गया, हाउ टू बुक एंट्री और डू द पोस्टिंग इन लेजर। ये जो आपने शीट देखी, ये जो अकाउंट के अंदर हमने जितने भी, ये जो अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की है, ये सभी अकाउंट हम SAP के अंदर लेजर के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अकाउंट ग्रुप, और ग्रुप के अकॉर्डिंग उसमें सिंगल सिंगल अकाउंट बनेगा। अकाउंट ग्रुप आप ये बोल सकते हैं कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन, जो एक नेचर के टाइप से होंगी वो उनके लिए अकाउंट ग्रुप बन जाएंगे। तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हुआ, अभी के लिए ये है कि आप लोग थोड़ा ये जो जो गोल्डन रूल हैं इनके बारे में थोड़ा याद करें आप इनको, और जो ये जो बुक ऑफ एंट्री हैं, आप जर्नली भी कोई चीज़ खरीदते बेचते कुछ ऐसा करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो फाइनली जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो हमारा FI के जो कोर्स कंटेंट हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। FI के अंदर जो कोर्स कंटेंट रहेंगे हमारे, सबसे पहले इनिशियल पे रहेगा FI, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे जो FI साइड से जो
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा, कंपनी, कंपनी कोड और बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। इसमें क्या आएगा, मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट, जो हमारा जो मैंने आपको यहाँ जो बताया है, ये जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है वो सभी इसमें आएगा। फिजिकली ईयर वेरिएंट कैसे क्रिएट करना है, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग पोस्टिंग पीरियड, ये सभी वही हैं दोस्तों कि हर मंथ का पोस्टिंग पीरियड ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, ईयर का ईयरली पीरियड ओपन और क्लोज कैसे करना है, उसके बाद डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, डिफाइन पोस्टिंग की, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप के जो FI के डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से रहेंगे, और टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉई के, अगर जैसे टॉलरेंस ग्रुप इसमें तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि किसी को हम कस्टमर को मटेरियल बेच रहे हैं तो उस पर टॉलरेंस लगानी है हमको कि लाख रुपए तक की अगर उसने उसको हमने मटेरियल बेच दिया है तो उसकी 50% पेमेंट आने तक उसको उसकी टॉलरेंस को वो दिखाए कि अभी तक उसकी पेंडिंग है पेमेंट, तो हम उसको और मटेरियल नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल पैरामीटर कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये जर्नल लेजर आ गया दोस्तों, डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या है ये भी पढ़ेंगे हम, और क्रिएट जर्नल लेजर, जो हमने यहाँ ये जो अकाउंट बनाए हैं वो जर्नल लेजर बोलते हैं उनको, वो जर्नल लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल सिर्फ उनके लिए है, जैसे कि हम किसी वेंडर से कुछ परचेज करते हैं तो उन सभी वेंडर को हम जो उनके खाते जो SAP के अंदर जो उनके अकाउंट खुलेंगे उनको हम अकाउंट पेएबल बोलते हैं। उसमें क्या क्या होगा, वेंडर अकाउंट ग्रुप बनेगा, उसको नंबर असाइन होगी, और सैंडरी क्रेडिटर अकाउंट बन जाएंगे, टॉलरेंस ग्रुप, पेमेंट टर्म बनेगी कि कैसे पेमेंट टर्म जो रहेंगी वो कैसे कैसे रहेंगी, वेंडर मास्टर डाटा बनेगा, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोसीजर भी बनेगा दोस्तों इसमें कि अगर वेंडर को हम ऑटोमेटिक पेमेंट करना चाहते हैं विद इन अकॉर्डिंग टू पेमेंट टर्म तो वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अकाउंट रिसीवेबल, ये सारा कस्टमर से रिलेटेड है, जैसे वेंडर के अकॉर्डिंग था वैसे ही कस्टमर का भी मास्टर डाटा बनेगा, उसको भी उसके भी अकाउंट बनेंगे, नंबर रेंज असाइन होगी, और सैंडरी डेटर्स बनेंगे, टॉलरेंस ग्रुप बनेगा, पेमेंट टर्म वगैरह, और कस्टमर मास्टर बनेगा। फिर बैंकिंग से रिलेटेड आ जाता है कि बैंक की डिफाइन हाउस बैंक और ग्लोबल सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग में भी आप सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बैंकिंग में क्या रहता है, और इसी बैंकिंग के अंदर चेक से रिलेटेड भी पढ़ेंगे कि चेक लोट क्या होता है, चेक कैसे इशू होता है किसी भी वेंडर को या किसी पार्टी को, विद होल्डिंग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, एसेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में जो CEO का पार्ट रहेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये आपका और असाइनमेंट आपका है कि प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा एंट्री हो सकें उनकी प्रैक्टिस करें, या फिर अपनी पर्सनल अकाउंटिंग आप टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी पर्सनल अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो दोस्त हैं वो भी इन वीडियो के थ्रू अपने SCP से रिलेटेड क्वेरी दूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और कोई भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल ID जो आप सभी को पता है, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, आप उस मेल ID पे भी अपने व्यू डाल सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी है तो हमको मेल के थ्रू भी आप बता सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनेंस का जो बेसिक ओवरव्यू था, ये
अगर इस ओवरव्यू में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको मेल डाल के बता सकते हैं, ताकि हम वो क्वेरी आपकी दूर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो से हम SAP की जो फाइनेंस की जो जर्नी रहेगी वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।